कॉमनली वॉटरी आईज दो तीन वजह से हो सकती हैं. वन इज़ सिंपल एंड द मोस्ट कॉमन डिजिटल आई स्ट्रेन. आजकल सब लोग स्क्रीन पे बैठ रहे हैं. जब हम स्क्रीन पे होते हैं तो पलक का जो ब्लिंकिंग रेट है वो कम हो जाता है. व्हेन द ब्लिंकिंग रेट इज़ लो तो आपका टियर फिल्म बिकॉज ऑफ एसी एंड पंखा ड्राई होने लग जाता है. एज अ रिजल्ट ड्राइनेस की वजह से देर इज़ मोर रिफ्लेक्स वाटरिंग. सो लॉट ऑफ पीपल हु आर स्पेंडिंग लॉट ऑफ टाइम ऑन स्क्रीन, टीवी है, कंप्यूटर है, उनकी वाटरी आईज होती हैं, विच इज़ अ डिजिटल आई स्ट्रेन. हेलो एवरीवन, दिस इज़ विदुषी एंड यू आर वाचिंग द गुड हेल्थ शो. आज हम बात करने वाले हैं वॉटरी आइज़ के बारे में. ये कभी भी किसी को भी हो सकता है लेकिन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट कर देता है, और इसीलिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर पारुल शर्मा. हेलो मैम, कैसे हैं आप? गुड आफ्टरनून. हाय मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में. आज वॉटरी आइज़ के बारे में बात करने वाले हैं, और सबसे पहले हम मिथ्स से शुरू करेंगे, फिर मिथ्स के बाद कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास, फिर आपके बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहेंगे इन दी एंड. सो स्टार्टिंग फ्रॉम मिथ मैम, सबसे पहला मिथ ये आता है कि वॉटरी आइज जो है वो हमेशा आप बहुत ज़्यादा रोते हो या फिर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो इसीलिए आपको ये प्रॉब्लम होती है, वरना ऐसा कुछ नहीं है. तो ये बिल्कुल क्लियरली मिथ है. हमारे आँखों में जो आंसू आते हैं, जो हम रोते हैं, वो बहुत ईजिली ड्रेन हो जाते हैं. Exactly. वो उसका नहीं है, लेकिन बहुत सारे अभी हम डिस्कस करेंगे कि आई की प्रॉब्लम्स हैं जिसमें वाटरिंग एबनॉर्मल वाटरिंग है और वो रोना वाला वाटरिंग नहीं है. ओके एंड मैम, अगर हम बहुत ज़्यादा एक्सेसिव आई ड्रॉप्स यूज़ करते हैं तो भी हमें वॉटरी आइज़ की प्रॉब्लम हो सकती है, सो इट्स राइट और रॉन्ग? समटाइम्स बिकॉज ड्रॉप्स में प्रिजर्वेटिव होते हैं, तो अगर हम किन्हीं और वजह से इन्फेक्शंस के लिए या इन्फ्लेमेशंस के लिए अगर हम ड्रॉप्स यूज़ कर रहे हैं, उनमें जो प्रिजर्वेटिव है उसकी वजह से हमें वाटरिंग हो सकती है. ओके एंड वाटरी आइज जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ एल्डर लोगों को ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है, यंगर को कुछ नहीं होता? सो अगेन नॉट ट्रू, बिकॉज वॉटरी आइज कैन बी अ प्रॉब्लम एट एनी एज ग्रुप. इवन स्मॉल चिल्ड्रन बॉर्न कॉन्जेनाइटल, जिनको प्रॉब्लम कहते हैं, डक ब्लॉक हो सकते हैं, तो बच्चों में भी वाटरिंग की प्रॉब्लम होती है. ओके एंड मैम, वॉटरी आइज जो है वो एक सीरियस कंडीशन नहीं है, ये ठीक हो जाती है ईजिली. इट्स अ मिथ और इट्स अ फैक्ट? नो, सो अगेन इट्स अ मिथ, बिकॉज इफ देर इज़ अ कॉन्स्टेंट वाटरिंग ऑफ आइज एंड एज आई सेड किसी भी एज ग्रुप में, उसको हमें चेकअप कराना है बिकॉज उसके कुछ एबनॉर्मैलिटीज आई के हो सकते हैं विच हैव सीरियस इम्प्लीकेशंस विच वी विल टॉक अबाउट अभी. ओके मैम, और मैम वॉटरी आइज जिसका एक मेन कॉज बताते हैं कि ब्लॉक टीयर डक्ट्स, सो सर्जरी ही एक ऑप्शन है, सर्जरी ही एक सोल्यूशन है इसका, सो इट्स अ मिथ और अ फैक्ट? नो, सो दैट्स अ फैक्ट. Not all watering of the eyes will have a blocked duct. हमारे पलक में ऊपर और नीचे दो छेद होते हैं जिनसे जो tear film बनता है वो nose में और throat में drain होता है. It's a 24/7 process. We don't even get to know. But sometimes children, adults, old age, at any age, इस पूरे passage में कहीं पे भी अगर blockage हो जाएगी तो हमारा आंसू जो है वो drain नहीं होगा और आँखों में भरा रहेगा. वो blockage surgically ही correct होता है. ओके ओके मैम, ये थे कुछ मिथ्स. मुझे लगता है कि काफ़ी समझ में आया होगा लोगों को वॉटरी आइज एग्जैक्टली होती क्या है. स्टार्टिंग फ्रॉम द क्वेश्चंस मैम, सबसे पहले जैसे आपने बताया कि हमेशा ये कॉज नहीं होता टीयर डक्ट, सो जानना चाहेंगे कि व्हाट आर द कॉमन कॉजेज ऑफ वॉटरी आइज? तो अगर आपकी आंखों से पानी आ रहा है तो आप अपने और सिम्टम्स भी देखिए. पानी आने के साथ आपकी आंखों में कोई इचिंग या इरिटेशन तो नहीं है? डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा? सुबह उठने में आंखों में कुछ ऐसा मक जैसा तो नहीं है? बिकॉज कॉमनली वॉटरी आइज दो तीन वजह से हो सकती हैं. वन इज़ सिंपल एंड द मोस्ट कॉमन डिजिटल आई स्ट्रेन. आजकल सब लोग स्क्रीन पे बैठ रहे हैं. जब हम स्क्रीन पे होते हैं तो पलक का जो ब्लिंकिंग रेट है वो कम हो जाता है. व्हेन द ब्लिंकिंग रेट इज़ लो तो आपका टियर फिल्म बिकॉज ऑफ एसी एंड पंखा ड्राई होने लग जाता है. एज अ रिजल्ट ड्राइनेस की वजह से देर इज़ मोर रिफ्लेक्स वाटरिंग. सो लॉट ऑफ पीपल हु आर स्पेंडिंग लॉट ऑफ टाइम ऑन स्क्रीन, टीवी है, कंप्यूटर है, उनकी वाटरी आइज होती हैं, विच इज़ अ डिजिटल आई स्ट्रेन. देन दी अदर कॉमन रीजन ऑफ वॉटरिंग आइज इज सिंपल एलर्जीज. तो आँखों की अगर एलर्जी है जो कि सीजनल होती है, यूजली समर्स में ज़्यादा होती है, जैसे आजकल हीट वेव चल रहा है, मानसून चेंज ऑफ वेदर में, सो एलर्जीज की वजह से भी वॉटरिंग आँखों में होती है. दैट्स अ रिफ्लेक्स वॉटरिंग. देन इन्फेक्शन, बेसिकली जो लेक्राइमल ग्लैंड्स हैं वो टियर फिल्म में बहुत सारे प्रोटेक्टिव एंजाइम्स हैं, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी है, तो जब भी आंखों में इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन है तभी भी हमारी वाटरिंग बढ़ जाती है. सो वी हैव टू लुक क्लोजली कि प्रॉब्लम क्या है और उसके अकॉर्डिंगली हम ट्रीट करते हैं. ओके ओके एंड मैम, हमें कैसे पता लगेगा कि वॉटरी आइज जो हो रही है वो एलर्जीज के थ्रू होती है या फिर इन्फेक्शन के थ्रू है?
सो यूजुअली जो वॉटरी आईज एलर्जी के थ्रू हैं उसमें इचिंग होती है. एलर्जीज में इचिंग ज़रूर होगी, पेशेंट को मन करेगा कि आंखें रब करे. एंड इन्फेक्शन में यूजुअली डिस्चार्ज भी थोड़ा होता है, आंखें रेड भी होती हैं. रेड दोनों में हो सकती हैं, एलर्जी और इन्फेक्शन में. दैट इज़ वाई यू हैव टू सी एन आई डॉक्टर, बिकॉज वो आपको स्लिट लैम्प पे प्रॉपरली चेकअप करके बताएंगे कि आपको एलर्जी की वजह से वाटरिंग है या इन्फेक्शन, एंड देन अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से ड्रॉप्स देंगे. ओके. और मैम अगर लाइफस्टाइल चेंजेस या फिर डाइटरी हैबिट्स की बात करें तो क्या हम प्रिवेंट कर सकते हैं इसको? वॉटरी आइज़, जैसे मैंने बताया, डायरेक्टली वॉटरी आइज़ के लिए कोई ट्रीटमेंट इन टर्म्स ऑफ मल्टीविटामिन्स और ये सब नहीं है. लेकिन जो ड्राई आई की वजह से वॉटरिंग, रिफ्लेक्स वॉटरिंग हो रही है, तो ड्राई आई में कुछ टाइप ऑफ ड्राई आई, बिकॉज ड्राई आई भी एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है कि कौन से टाइप का आपका ड्राई आई है. तो जनरली हम वाइटामिन D3 एंड B12 की तरफ ध्यान देते हैं कि ये इनकी डेफिशेंसीज नहीं होनी चाहिए. ओके. एंड मैम कुछ ऐसे मेडिकल कंडीशंस हैं जो इससे ट्रिगर हो सकती हैं, लाइक एक्सेसिव अगर आपको आंसू आ रहे हैं तो ऐसा कुछ है जिससे कि कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है? मेडिकली आंसू आने से मेडिकली आंखों को नुकसान नहीं होगा, लेकिन टू सी थ्रू अ टियर फिल्म, मतलब एक आंसू की परत है और आप उसके थ्रू अगर देख रहे हैं दुनिया को, तो वो ब्लर्ड होगी. दूसरा, पेशेंट के लिए बहुत अनकंफर्टेबल है, बार बार आंखें पोंछेगा. छोटे बच्चों की स्किन फ्रेजाइल होती है, ओल्ड एज में स्किन फ्रेजाइल होती है, तो आप बार बार आइस को वॉश कर वाइप कर रहे हैं तो एक्सकोरिएशन हो जाता है, जलन हो जाती है, तो डिस्कम्फर्ट होता है पेशेंट को. ओके. और मैम कुछ ऐसे पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस हैं वॉटरी आइज को लेके? सो अगर वो जी 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 सो अगर वो ब्लॉकेज की वजह से, जैसे हमने बताया कि एक पूरा रास्ता है वाटर को ड्रेन करने के लिए, जो अमूमन आम जनता को पता भी नहीं है कि इस तरह की कोई चीज़ है, अगर कहीं पे भी ब्लॉकेज है तो इट बिकम्स अ पोटेंशियल साइट फॉर इन्फेक्शन. तो कई लोग आते हैं कि हमारा पानी, एक आंख से पानी आ रहा है, डिस्चार्ज भी आ रहा है, हमने एंटीबायोटिक ड्रॉप्स भी डालनी, वो जा ही नहीं रहा. कोई भी इन्फेक्शन जो है वो एक हफ्ता दो हफ्ते से ज़्यादा नहीं रहेगा, ट्रीट होगा. तो वो ब्लॉकेज है, वहाँ पे एक पोटेंशियल साइट बन गया है इन्फेक्शन का, जो हमारी एक लेक्राइमल यहाँ पे एक सैक होता है उसमें इन्फेक्शन भरा रहता है. तो उसको जैसे हमने डिस्कस किया कि वो दवाइयों से फिर क्योर नहीं होगा, उसकी सर्जरी ही करके हमको एक पैसेज खोल के और उसको ड्रेन करना होगा.